पंजाब में नए कृषि कानूनों के विरोध में दो दिन का विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र के किसान विरोधी कानूनों से पंजाब की कृषि और किसान के हितों की रक्षा के लिए चर्चा की जाएगी। हालांकि विपक्ष अकाली दल और आम आदमी पार्टी सत्र को लेकर पंजाब सरकार के विरोध में उतर आए हैं। वहीं अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है कि आज से शुरू हो रहे महत्वपूर्ण विशेष सत्र के लिए विधानसभा पहुंच गया हूं। हम केंद्र के किसान विरोधी कानूनों से पंजाब की खेती को बचाने और हमारे हितों की रक्षा के लिए चर्चा और बहस करने के लिए मिल रहे हैं। वहीं विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे हैं। वहीं अकाली दल ने ट्रैक्टर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारे भी लगाए। सुनिए। बंद करो मोदी कैप्टन दी यारी, मोदी कैप्टन दी यारी, किसान की दी गदारी, मोदी कैप्टन दी यारी, किसान की दी गदारी, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, मिक्स मैच बंद करो, मैच बंद करो, बंद करो, बंद करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, मोदी कैप्टन दी यारी, किसान की दी गदारी, मोदी कैप्टन दी यारी, किसान की दी गदारी। इसके साथ ही अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने कहा है कि पंजाब सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ पहले के प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजे, वे लोग केंद्र के साथ मिलकर फिक्स मैच खेल रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी काले कपड़े पहनकर पंजाब सरकार का विरोध किया है। सवाल ये है कि क्या विधानसभा सत्र में कृषि कानूनों को लेकर किसानों के हित में फैसला लिया जाएगा या फिर इसे नज़रअंदाज कर टाल दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, AR न्यूज़ इंडिया।